सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वीडियो। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी एक पेन ड्राइव में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सपोज आपके पास एक पेन ड्राइव है और आप चाहते हैं कि अपनी पेन ड्राइव को आप इस तरीके से तैयार रखें, बूटेबल तैयार रखें कि आप विंडोज 10, विंडोज 11, लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मल्टीपल यानी कि अलग अलग वैरायटी के ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी एक पेन ड्राइव में रखें और जो आपको इंस्टॉल करना हो तुरंत आप इंस्टॉल कर पाएं, तो वो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको जरूरत होगी एक तो पेन ड्राइव की एफिशिएंट स्पेस की, यानी कि अगर आप 2-3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर इसमें रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर आपकी पेन ड्राइव का स्पेस होना चाहिए। मैं यहां पर 64 GB की पेन ड्राइव यहां पर यूज ले रहा हूं और साथ ही साथ आप जिन ऑपरेटिंग सिस्टम की यहां पर इस पेन ड्राइव को मल्टी बूट OS पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं उन ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO इमेज भी आपके पास होनी चाहिए जिनको आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने भी आपको काफी सारे वीडियो बताए हैं, अगर आपको विंडोज 10 की विंडोज 11 की ISO इमेज डाउनलोड करनी है उनके ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर किसी पोर्टल से तो आपको कैसे करना है। तो ये दोनों चीजें आपको तैयार रखनी है और बाकी आपको क्या प्रोसेस करना है चलिए देखते हैं अपने पीसी में चल के। सो गाइस, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लेते हैं एक पेन ड्राइव और इसको प्लग इन कर लेते हैं अपने लैपटॉप में। और ये प्लग इन करने के बाद आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है वेंटॉय। जी हाँ दोस्तों, VENTOY, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप www.ventoy.net और इस वेबसाइट का इंटरफेस आप देख सकते हैं। डाउनलोड यहाँ पे बटन पे जाएंगे, देन यहाँ पर आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे वेंटॉय के टूल मिल जाते हैं। देन यहाँ पर हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो अलग अलग रिलीज आपको यहाँ पे अलग अलग वर्जन वेंटॉय के मिलेंगे। आप यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करता हूँ और यहाँ से इसकी जिप फाइल मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं नीचे आपको इस तरीके से लिंक मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर या फिर जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिप फाइल मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि मात्र 15 MB की है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, एक जिप फाइल है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया है, फोल्डर यहाँ पे वेंटॉय का नया फोल्डर आ गया है, इसको आपको जस्ट ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इस फाइल को रन करना है ventoy2disk.exe, ठीक है, इसको जस्ट ओपन करना है। पोर्टेबल फाइल है एक, इस पर जस्ट डबल क्लिक करके ही आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो पेन ड्राइव प्लग्ड इन है वो यहाँ पे शो कर जाएगी। आप रिफ्रेश करके एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि जो पेन ड्राइव प्लग्ड इन है वही यहाँ पर आए। देन यहाँ पे जस्ट आपको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है, देन इस बॉक्स में आपको येस लिख देना है, ठीक है, जिससे कि आप ये कन्फर्म कर पाएं कि हाँ ठीक है आप अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हैं और इसको बूटेबल बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपकी पेन ड्राइव पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगी, यानी कि आपकी पेन ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेंटॉय हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टू द डिवाइस। यहाँ पर आप ओके बटन दबा देंगे और इस विंडो को आप क्लोज कर सकते हैं, यानी कि आपकी पेन ड्राइव बूटेबल हो गई है। जस्ट अब आपको जरूरत है अपनी पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO इमेजेस पुट करने की। तो पेन ड्राइव आप देख सकते हैं बूटेबल हो चुकी है, इसका हमें कुछ नहीं करना। अब हमें जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ISO फाइल्स हैं उनका हमें यूज लेना है। और यहाँ पर मेरी डी ड्राइव में यहाँ पे कुछ ISO फाइल्स हैं, विंडोज 10 की, 11 की और एक काली लिनक्स। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए मल्टीपल ISO की नीड आपको होगी। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्ट आपको पेस्ट करना है अपनी पेन ड्राइव में, ठीक है। पेन ड्राइव आपकी बूटेबल हो चुकी है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। जस्ट इस पेन ड्राइव में आप जाएंगे और इसको आप जितनी भी OS की पेन ड्राइव आप बनाना चाहते हैं उन सभी OS की जो ISO इमेज है वो अपनी पेन ड्राइव में आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, जितना भी आप जितना डिपेंड करेगा कि आप कितनी ISO फाइल यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं उतना टाइम यहाँ पे लेगा। तो आप देख सकते हैं तीनों जो ISO फाइल है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अब मैं आपको यहाँ पर अपना सिस्टम रीस्टार्ट करके बताता हूँ कि हाँ ठीक है ये पेन ड्राइव बूटेबल हुई या नहीं, ठीक है, क्या ये पेन ड्राइव प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रही है या नहीं। तो मैं अपना सिस्टम यहाँ पे बूट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हों स्टार्ट करते टाइम आपके सिस्टम पे इस तरीके से एक की आएगी जिसकी मदद से आप बूट मेन्यू अपने सिस्टम का ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डिवाइस से आपको बूट करना है। तो यहाँ पर मेरे केस में F11 की है, आपके केस में जो भी की हो वो आप दबाएंगे, देन यहाँ पे आपके पास बूट ऑर्डर सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है सैंडिस्क की, ठीक है, तो मैं सैंडिस्क की जो पेन ड्राइव है इसको सेलेक्ट करूँगा और एंटर बटन प्रेस करूँगा, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद वेंटॉय का इंटरफेस ओपन हो गया है और वेंटॉय की जो पेन ड्राइव है जो हमने बूटेबल बनाई है उसमें जो जो ISO हमने कॉपी पेस्ट करी थी वो यहाँ पे आ रही है। तो आप देख सकते हैं विंडोज 10 हम यहाँ पे आपको डेमो के तौर पे दिखाते हैं रन करके। तो विंडोज 10 पे मैंने एंटर बटन दबाया और यहाँ पर विंडोज 10 का जो स्टार्टअप है
वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए विंडोज 10 का जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है, जिसकी मदद से अब हम विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा यहाँ पे कितनी आसानी से हमने अपनी पेन ड्राइव में एक से ज्यादा ओएस यहाँ पर इंस्टॉलेशन रेडी यहाँ पर किए। ठीक है, यानी कि अब मेरी पेन ड्राइव में यहाँ पे 3 ओएस हैं, एक काली लिनक्स, विंडोज 11 और विंडोज 10। यानी कि जब भी मुझे किसी ओएस की इनमें से जरूरत होगी, जस्ट मुझे प्लग इन करना है, सेलेक्ट करना है और उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।